अभी तक मैं समझ रहा था कि दिस इज आवर कमिटमेंट टू सिनेमा एंड डेडिकेशन विच मेड राजू द ग्रेट डायरेक्टर राइट डायलॉग्स फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर. मुझे नहीं मालूम था कि दारू पी के बात हुई थी. इसकी धुन हमने बहुत धुन बनाई लेकिन कोई धुन मेरे को अच्छी नहीं लगी. तो फिर मुझे प्रीतम ने एक दिन पूछा कि आप ढूंढ क्या रहे सर, किस किस्म की धुन आपको चाहिए. तो मैंने कहा कि मेरी बहन के बच्चे हैं अमेरिका में तो उनको हिंदी आती नहीं है. तो जब मैं उनको मिलने जाता हूँ तो मैं हिंदी में गाना गाता हूँ ताकि वो सब मेरे साथ नाच सके, ग्रीट कर सके. तो बोला क्या कहते हैं. तो मैंने कहा मैं उनको कहता हूँ झिंका पटोरी झिंका चीहो, कुछ मतलब नहीं है बट द किड्स डांस, झिंका पटोरी झिंका चीहो. तो इमीडिएटली प्रीतम सेड मारा रे सिक्सर मारा रे फोर. लगे रहो मुन्ना भाई के बाद फिल्म रिलीज हो गई थी, हम लोग बड़े खुश थे फिल्म से. हम लोग कहीं बैठ के बियर पी रहे थे. तो इमोशनल मोमेंट था कि उन्होंने अच्छा काम किया था हर फिल्म में. तो मैंने कहा राजेश तू जब तेरी पहली फिल्म बनाएगा तो आई विल राइट द डायलॉग्स फॉर यू. मैंने बियर पी के कहा था, मैं भूल गया. फिर थ्री इडियट्स बन गई. उसके बाद इन्होंने वाकई एक कुछ एक कॉन्सेप्ट लेके आया, फिर हम उस पर बातें होती रही. फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट विनोद को सुनाया, इन्होंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया. मुझे थोड़ा टेंशन था कि इसको बात याद है कि नहीं, मगर इसे याद थी. जब स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले हो गया तो वापस आए कि कहा था अपने डायलॉग्स लिखेंगे तो अब लिखिए डायलॉग्स. तो वो मुझे बड़ा मेरे वक्त पे बहुत हानि हुई. 6 महीने लगे इनके डायलॉग्स लिखने में और जो भी लिखे जाते थे रिजेक्ट कर देते थे. ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं. और मैंने पहली बार किसी और के लिए लिखा था, मैं अपनी फिल्म में लिखता हूँ, मैंने किसी के लिए नहीं लिखा था. तो पहली बार मैं इनके लिए लिखता रहा. पर अब आप देखिए एक अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट. अभी तक मैं समझ रहा था कि दिस इज आवर कमिटमेंट टू सिनेमा एंड डेडिकेशन विच मेड राजू द ग्रेट डायरेक्टर राइट डायलॉग्स फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर. मुझे नहीं मालूम था कि दारू पी के बात हुई थी. मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि राजकुमार हिरानी को इसका टेस्ट हुआ है. जब मैं मुन्ना भाई MBBS में साला सीन लिखता था, रात को मेरे साथ हाहा करता था, सुबह आके कहता था सीन अच्छा नहीं है. तो मेरे से इसने बहुत लिखवाया है. इसने साले ने 3 फिल्मों में मेरा टाइम वेस्ट किया है. इसका एक ही अभी हुआ है, जब इनकी 3 होंगी तब मैं इससे बात करूंगा. आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर हिरानी, यू हैव टेस्टेड योर ओन मेडिसिन. जब मेरी पहली सोलो फिल्म आएगी तब मैं ऐसे स्ट्रेटेजाइज करके मार्केट करूंगा, नथिंग टू इट, आई विल जस्ट कम एंड टॉक अबाउट द फिल्म, माय कैरेक्टर, एंड होपफुली यू विल लाइक व्हाट यू विल सी इन टर्म्स ऑफ द प्रोमोस एंड पीपल विल कम वॉच द फिल्म एंड दे लाइक द फिल्म एंड दे विल होपफुली लाइक मी एंड इट विल ऑल एंड वेल. सच बोलना यार, वो आइडिया था ना चड्डी पहन के माल में नाचेगा, उन्हें बताना. ऑफ कोर्स एंड दैट वाज द सरप्राइज पैकेट. ऑफ कोर्स ये बताने था आपको, ब्लैक चड्डी पहन के मॉल में नाचने वाला, ये हमने सोचा. भैया और तो फिल्म में बेचने का और कोई तरीके नहीं है, मॉल में नचाएंगे इसको. मैं और राजू खड़े रहेंगे, 2 फरारी लेके ये नाचेगा. इन्होंने मुझे पूना से फोन किया, पूना में था कोल्हापुर, पूना से मुझे SMS भेजा, फोन नहीं किया, SMS भेजा. कहता सर मैं बहुत लावनी डांसर्स को देख रहा हूँ, तो यू थिंक विद्या बालन बहुत इस रोल में लावनी डांसर्स के साथ फिट होगी. तो मैंने इसको जवाब दिया तू रहने दे, तो वो ढूंढो अपना जो मिल रहे हैं पूछ लीजिए, वो होगा SMS. फिर इन्होंने मुझे फिर बोला कि सर आप पूछ तो लीजिए. मैंने कहा यार ठीक है तू बोलता मैं पूछ लेता हूँ. तो मैंने विद्या को बहुत सिंपल सा मैसेज भेजा, यार ये मापुस्कर कोल्हापुर से कह रहा है लावनी, आई डोंट थिंक यू वुड डू इट बट एनीवेज ही इज आस्किंग मी. उसका SMS आई हैव बीन डाइंग टू डू लावनी फॉर 15 इयर्स एंड दिस एंड दैट, हाउ कैन यू डिनाई दिस टू मी, आई हैव टू डू दिस. तो मैं खुद ही परेशान होकर मैंने इसको कहा यार उसका तो लावनी करने का बहुत सपना है. 15 दिन उसने रिहर्स किया और 6 दिन शूट किया है. ये द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू हर एंड टू हिम. सलमान प्लीज आप कहना चाहेंगे आमिर के शो के बारे में. जी बहुत अच्छा लगा, कमाल का शो है एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट. मुझे लगता है इस किस्म के और प्रोग्राम बनने चाहिए. A few more honest shows like this might just change the face of television. मैं भी जवाब दे दूं, ये शो के बारे में आपने पूछा था. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं आमिर के घर गया और मैंने उसको गले लगा के कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया.